पर हुई जिसका वीडियो लगातार वायरल हो रहा। इस वीडियो में डीएम को साफ साफ धक्का देते हुए देखा गया, जिस पर सरकार ने भी उन्हें अमेठी के डीएम के पद से हटाने में देरी नहीं की। अमेठी से बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी ने भी ट्वीट करके घटना पर दुख जताया। हालांकि डीएम प्रशांत कुमार इस बात पर अड़े रहे कि उन्होंने कोई बदसलूकी नहीं की थी। मामले में नया मोड़ तब आया जब खुद सुनील सिंह नाम के आदमी ने सामने आकर ये दावा कर दिया कि वायरल हो रहे वीडियो से छेड़छाड़ हुई। सुनील सिंह ही वो आदमी है जिनसे बदसलूकी का आरोप डीएम पर लगा है। यह जो वीडियो दिखाया जा रहा है यह एडिटेड वीडियो है। जिलाधिकारी महोदय ने हमारी सारी समस्याओं को बिंदुवार उन्होंने सुना, देखा और हर तरीके से जितना भी संभव मदद हो सकती है मदद करने का आश्वासन दिया। डीएम प्रशांत कुमार ने ही सुनील सिंह का ये वीडियो ट्विटर पर डाला और खुद को बेकसूर बताया। हालांकि इससे पहले जो वीडियो सोशल मीडिया पर आया था उसमें डीएम धक्का देते हुए देखे गए थे, जिस पर ये पूरा विवाद खड़ा हुआ था। ये बताइए, हम इस समय खड़े हैं, इस जिले का सबसे वरिष्ठ अधिकारी यहाँ खड़ा है, कितने सारे लोग खड़े हैं, क्या आपको पता है कि उस आदमी का पता है कि नहीं, पता है कि नहीं, पता है कि नहीं। डीएम के धक्का देने पर भीड़ में मौजूद लोगों ने तब इसका विरोध भी किया था। कई लोगों ने तो डीएम से वहाँ से लौट जाने के लिए भी कहा था। ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी नेताओं के दबाव की वजह से अमेठी के डीएम पर गाज गई। वो इसलिए क्योंकि ये पूरा मामला अमेठी के गौरीगंज में बीजेपी नेता शिवनायक सिंह के बेटे की हत्या से शुरू हुआ था और इस घटना के बाद गौरीगंज में कई घंटों तक तनाव भी रहा। हत्या वाले दिन भीड़ और पुलिस के बीच हाथापाई भी हुई थी और इस घटना के बाद ही डीएम की पदसलूकी का वीडियो सामने आया। हालांकि अब सरकार प्रशांत कुमार को उनके पद से हटा चुकी है और उनकी जगह ये जिम्मेदारी अरुण कुमार को सौंपी गई है। अरुण कुमार अब तक मुरादाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन के पद पर थे। मुंबई में पुरानी लोकल ट्रेनों को बदलने की शुरुआत हो गई है। इनमें एक ट्रेन ने तो मुंबई में पटरियों पर दौड़ना भी शुरू कर दिया है। इस ट्रेन में सीसीटीवी कैमरों के साथ आरामदायक सीटें और इमरजेंसी बटन की सुविधा भी दी गई है, जिससे यात्रियों को ट्रेन में सफर करते वक्त किसी तरह की परेशानी न हो। काफी समय से पश्चिम रेलवे की तरफ से कहा जा रहा था कि मुंबई में नई लोकल ट्रेनों को उतारा जाएगा। इनमें एक ट्रेन ने अब मुंबई में चक्कर लगाने शुरू कर दिए हैं। इस ट्रेन की सबसे खास बात है इसकी सीटें, जो थोड़ी चौड़ी रखी गई। इसके अलावा ट्रेन में खड़े होकर सफर करने वाले यात्रियों के लिए जो हैंडल लगाए गए हैं वो आकार में काफी बड़े हैं और मजबूत भी हैं। अभी मुंबई में जो लोकल ट्रेनें चल रही हैं उनमें ज्यादातर के हैंडल टूट चुके हैं। बड़ा बनाया गया है इन हैंडल्स को, ताकि जो भी यात्री यहाँ पर रहे वो आराम से इसे पकड़ सके, खड़ा हो सके। इमरजेंसी के वक्त ट्रेन को रोकने के लिए चेन की जगह एक बटन दिया गया है। इसके अलावा रैक काफी चौड़े रखे गए हैं ताकि यात्री ज्यादा से ज्यादा सामान रख सकें। ट्रेन में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं जिससे यात्री काफी खुश हैं। तो अगर सीसीटीवी कैमरा होंगे तो एटलीस्ट पब्लिक सेफ फील करेगी कि मोबाइल की चोरियां होना, पर्स की चोरियां होना बंद हो जाएगी। रेलवे के मुताबिक आने वाले दिनों में पटरियों पर इस तरह की और ट्रेनें भी दौड़ती हुई दिख सकती हैं। इन रेक्स का जो फीडबैक है पैसेंजर्स के द्वारा वो ICF को दिया जाएगा, उसके बाद जो आगे की जो रेक्स प्रोड्यूस होंगी उनमें इन फीचर्स को इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। केरल के शबरीमला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर फिलहाल कोई रोक नहीं होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दायर पुनर्विचार याचिकाओं पर कोई फैसला नहीं सुनाया और इस मामले को 7 जजों की बड़ी बेंच को सौंप दिया। साथ ही 5 जजों की बेंच ने पिछले फैसले पर कोई रोक नहीं लगाई, यानी फिलहाल मंदिर में 10 से 50 साल की महिलाओं को जाने की इजाजत होगी। शबरीमला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के 2018 के फैसले के खिलाफ 60 पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल हुई थी, जिन पर सुनवाई के दौरान बेंच के 5 जजों की राय अलग अलग नजर आई, क्योंकि 5 जजों की बेंच के दो जज पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज करने के पक्ष